नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियोस के अंदर हम जानेंगे हम जो है अपने एमएस ऑफिस वर्ड का और एक्सेल के बैकग्राउंड का कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने जो है वर्ड ओपन किया हुआ है, इसके जो पीछे का बैकग्राउंड है ये जो है हमारा सारा ब्लू है। हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है चेंज कर दिया जाए, तो उसे हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं ऑफिस बटन के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर जो है सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की तरफ, वर्ड ऑप्शन। मैं जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है देखिए काफी सारे हमारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कस्टमाइज का है, एडवांस का है, सेव का है, प्रूफिंग का है। आप जो यहाँ पॉपुलर के ऊपर ही क्लिक रहने दीजिए। यहाँ पर जो है देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कलर का। फिलहाल यहाँ पर जो है देखिए ब्लू है, क्योंकि हमारे इसका कलर भी वर्ड का ब्लू है। यहाँ पर जो है यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक सिल्वर है, एक ब्लैक है। आप जो भी कलर रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिल्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे जो इसके बैकग्राउंड का कलर है वो हमारा सिल्वर हो चुका है। चलिए हम जो है फिर से दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैं ऑफिस बटन पर जाता हूँ, वर्ड ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों ये सिल्वर के स्थान पर मैं ब्लैक चूज करता हूँ और यहां से सिंपली ओके कर देता हूं। तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड का कलर जो है ब्लैक हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप बड़ी आसानी से इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से जो आप एक्सेल का भी कर सकते हैं। वैसे तो जब हमने एमएस वर्ड का किया है तो एक्सेल का अपने आप हो गया होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, एक्सेल ओपन करता हूं तो यहाँ पर देखिए इसका ब्लैक है, क्योंकि जब मैंने एमएस ऑफिस का किया तो इसका भी अपने आप हो जाता है। यदि आप इसका भी कोई दूसरा रखना चाहते हैं तो आप ऑफिस बटन पे जाएंगे, वहां पर आपको दिखाई दिया था एक वर्ड ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सेल ऑप्शन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिंपली देखिए मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं ब्लू करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए ब्लू कलर हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप बड़ी आसानी से आप जो है एमएस वर्ड हो या फिर एक्सेल हो, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।